मुरादाबाद के अम्बेडकर पार्क में एकजुट हुए त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट पर जाकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने श्रीकांत त्यागी पर पुलिस द्वारा लगाए गए गैंगस्टर एक्ट को हटाने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अनु त्यागी के प्रति श्रीकांत त्यागी पर सांसद महेश शर्मा के दबाव में गैंगस्टर एक्ट लगाने का आरोप लगाते हुए तत्काल हटाने और रिहा करने की मांग की है। वहीं श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी को 39 घंटे तक लगातार 3 दिन और 3 रातें थाने में रखकर प्रताड़ित और अपमानित करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा पर सार्वजनिक रूप से नोएडा के पुलिसकर्मियों को गालियां देने का आरोप है। वहीं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से श्रीकांत त्यागी की बालकनी के खुले सेट को अवैध रूप से तोड़ने की बात कही है, जिसके लिए मुआवजा मांगा है। वहीं ज्ञापन में सांसद महेश शर्मा से अनु त्यागी और उनके परिवार को जान माल का खतरा बताया है। सभी जिला मुख्यालय पर एक श्रीकांत त्यागी जी वाला जो प्रकरण चल रहा था नोएडा का ओमेक सोसाइटी का, उसको लेकर आज एक ज्ञापन दिया गया है। और वो अनु त्यागी जी को या उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके पेट्स को, कुत्ते को, जिस तरीके से वहाँ की सोसाइटी के अन्य लोगों ने जिस तरीके से नहीं निकलने दे रहे हैं और आज भी उनको परेशान करा जा रहा है, तो उसी को लेकर आज हमने जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर एक ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमारी सिर्फ यही बातें की गई हैं कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी जी के साथ में गुंडा एक्ट की और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उसको तत्काल हटाया जाए। और सर्व समस्त त्यागी समाज में इस चीज का, इस बात का रोष है। और जिस तरीके से उनकी मामी को, इंगला त्यागी जी को पुलिस लेकर के कभी देहरादून, कभी ऋषिकेश, कभी हरिद्वार, मतलब 3-4 दिन तक जिस तरीके से लेकर रात दिन घूमती रही, तो वो पुलिस का जो रवैया सामने आ रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत और दुखित है। उस चीज़ का हम विरोध करते हैं और हम श्रीकांत त्यागी जी को और उनके परिवार अनु त्यागी जी को, उनकी फैमिली को पूरे को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आगे जिस तरीके से मेरठ में आंदोलन चला उसी तरीके से जिला मुख्यालय पर हम बड़ा एक आंदोलन करेंगे।